मानता, अपना अपराध नहीं मानता, मैं भाग रहा हूँ ये नहीं बोलेगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। यहाँ पे गीता शुरू होती, यहाँ पे ही ज्ञान शुरू होता। ये जो युद्ध भूमि है, ये युद्ध भूमि ही संसार है। ये जो विषम स्थिति है, ये समस्याओं का जंजाल है। तीसरी बात, हम सभी अर्जुन हैं और हम सभी भगोड़े हैं। आ तो गए मोर्चा थामने के लिए, पर जब डंडे पड़ने शुरू हुए तो भागने की सोचने लगे। भगवान ने कहा अब नहीं भागने देगा तुझे, अब कैसे भागे, आया क्यों था यार, क्या तो आता ही नहीं भाई, पैदा ही नहीं होते ना, जन्म क्यों लिया, और जन्म भी लिया मनुष्य का जो कर्म योनि वाला है। पशु बन जाते, पक्षी बन जाते, कीट बन जाते, मकोड़े बन जाते, मछली बन जाते, तो आपसे कोई आशा नहीं की जा सकती। पर कौन बन के आए, मनुष्य बन के आए, मतलब योद्धा बन के आए। साथ में तुम्हारे हथियार है, हथियार कौन से हैं, मन सबसे बड़ा हथियार, फिर बुद्धि, फिर चित्त, फिर अहंकार, फिर हाथ पैर, मुख, नासिका, नेत्र, श्रोत्र, और ये 25 तत्वों का शरीर। ये सारे हथियारों के साथ भगवान ने भेजा, अकेले नहीं भेजा। तुम्हें विचार करना है, तुम्हें बहुत सोचना है, और सोच के कर्म आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जा सकते, आगे बढ़ना। जब सारे हथियार उन्होंने दिए और मनुष्य जन्म दिया और इतना बड़ा मैदान दिया, मैदान के साथ जैसे घोड़ा, रथ, हाथी, आसपास में फौज, वो भी दिया हमको, जो हमारा परिवार है वही सारे हमारे सहयोगी हैं, जो घर है हमारा वही हमारा हाथी, घोड़ा, रथ, जिसके अंदर अपन आराम से बैठ के खाते पीते सोते जागते क्रिया करते, सब मिला ना, सारे साधन पकड़ लिए। सब कुछ पकड़ने के बाद आप भागने के लिए कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कहते युद्ध तो करना पड़ेगा, अब नहीं भाग सकते। आप युद्ध कैसे करें, बुद्धि भी मेरी भ्रमित हो गई है, मन भी मेरा काम नहीं कर रहा है, शरीर भी मेरा कांप रहा है, जब मैं इस स्थिति में ही नहीं हूं, जब मैं शरीर ही नहीं उठा सकता, मेरे में ताकत ही नहीं है, मेरे में बल ही नहीं है, मेरे में उत्साह ही नहीं है, फिर मैं लड़ूंगा कैसे। तब भगवान में ज्ञान देता हूँ ना तुझे, मैं गीता सुनाता हूँ, यहाँ गीता पैदा हो। तो पहला अध्याय मात्र माहौल, परिस्थिति, भूमिका, नींव। आप दूसरे अध्याय से ज्ञान शुरू होता है। दूसरे अध्याय का ज्ञान एक स्पष्ट ज्ञान, एक निश्चय है, एक पकड़ है कि तुम ये निश्चित समझो, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये तुम एक बात अपने दिल में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो, हृदय में बैठा लो, जो इतनी अकाट्य है, इतनी सत्य है, जिसको कोई हटा नहीं सकता,
जिसको कोई मिटा नहीं सकता, जो किसी के बस की बात नहीं, कि यहाँ जहाँ आप आए हो उसका नाम क्या है? मृत्यु लोक। पहले आता है मृत्यु और बाद में आता है लोक। मृत्यु लोक का मतलब, किताब की दुकान पे जाओ वहाँ लिखा रहता है किताब की दुकान, नाच की दुकान, कपड़े की दुकान, तो जो जिसकी दुकान रहेगी उसमें वही चीज मिलेगी ना। आपको लेना है कपड़ा और आप घुस गए नाच की दुकान, ऐसा तो नहीं करोगे ना, पहले तो करोगे ही नहीं। कपड़ा लेना है तो कपड़े की दुकान पे जाओगे ना, नाच लेना है तो नाच की दुकान पे जाओगे। तो ये दुकान किसकी है? जहाँ पैदा हुए हो ये दुकान मृत्यु की, मतलब यहाँ मरना निश्चित है। कोई भी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, राजा हो, रंक हो, अच्छा हो, बुरा हो, धर्मात्मा हो, पापात्मा, कोई भी ले लो, वो यहाँ क्यों आया है? सिर्फ मरने के लिए आया। चाहे आज मर जाए, चाहे महीने बाद मर जाए, चाहे 10 साल बाद मर जाए, चाहे 50 साल बाद मर जाए, मरने के लिए आए हैं। और मरना कोई चाहता नहीं तो आए क्यों यहाँ? मरना नहीं है। और रास्ता बता दो, और कोई इलाज बता दो, और इसके आगे मुझे मरना। अरे भाई, जब तेरी दुकान मरने के लिए तो तू इसमें मरेगा कैसे? मरना तो है ही ना। और जिस दिन मरेगा उस दिन जितना इकट्ठा किया हुआ है, अंतहु तो ही तजेंगे प्राणी, क्यों न तजे अब ही। मरना तो निश्चित है ना। कोई ऐसा है कि जो यहां नहीं मरा? एक जिद्दी आ गया, बोला नहीं मुझे नहीं मरना है। और आप तो गुरुजी सर्व समर्थ हो, आप में बहुत बड़ी ताकत है, आप मुझे अमर कर सकते हो, ऐसा कर दो मैं मरूं नहीं। गुरु ने कहा बिल्कुल कर दूंगा, तू बिल्कुल नहीं मरेगा, पर तुझे एक चीज लानी पड़ेगी। बोले आप जो बोलोगे मैं सो ले आऊंगा। बोले जा ले गया, तू ऐसे घर की मिट्टी ला जहां कोई मरा नहीं, मिट्टी ले आओ। घूम घूम के ऐसा तो मिला नहीं, बस तो फिर मर। जब तू मुझे एक मिट्टी ला के नहीं दे सकता तो मैं तुझे अमर कैसे बना दूं? तो सीधी बात है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं यहाँ पैदा ही हुआ है मरने के लिए, और उसी से बचता है कि मैं मरूं नहीं, मेरा भी कोई नहीं मरे, मैं भी नहीं मरे, वो तो संभव है नहीं। इस बात को बैठालना है कि हम यहाँ मरने के लिए आए हैं और हमारी मृत्यु निश्चित है, और हमारे आसपास जो भी है वो भी सब मृत्यु में है। और जिस दिन हम मरेंगे उस दिन कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा। द्रव्यश्च भूमौ पशुवाश्च गोष्ठे भार्या गृहे द्वा रिजना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जब हम यहाँ से मरेंगे, सारे जीवन जो धन हमने संचय करके रखा है, मरने के टाइम पे वो धन हमको सलाम करने वाला भी नहीं है। मालिक, मेरे लिए तूने
कितना कष्ट उठाया, मुझे छोड़ के जा रहा है, प्रणाम ले जा, नमस्कार ले जा, विदाई ले जा, फिर आना या फिर नहीं, कुछ नहीं भाई, यहीं रह जाने वाले। जो भी साधन है सब यहीं रह जाने वाले, जो परिवार है वो यहीं रहने वाला है, जो घर है वो यहीं रहने वाला है। हमको छोड़ के जाना है, जाना भी है और साथ लेके नहीं जाना। जब कुछ चीज हमारे साथ जा ही नहीं सकती तो उसके लिए सारे जीवन हाय 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 करते रहना, परेशान रहना, दुखी रहना, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये कोई समझता नहीं। भगवान वो ज्ञान देते कि तुम ये ध्यान रखो कि तुम मृत्यु लोक में आए हो और तुम मरने के लिए आए हो, और जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब तुम्हें छोड़ के जाना है। पर एक बात ध्यान रखना, शरीर जाएगा, इंद्रियां जाएंगी, मन बुद्धि जाएगा, पर जो तुमने यहाँ क्रिया किया है, जो कर्म किया है, वो तुम्हें पकड़ के रखेगा। जो तुमने कर्म किया है, चाहे मन से किया हो, बुद्धि से किया हो, इंद्रियों से किया हो, इच्छा से किया हो, अनिच्छा से किया हो, परीक्षा से किया हो, दूसरे के जोर में आके कैसे ही किया, फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खाऊं मैं और पेट इसका भर जाए, ऐसा नहीं होगा। जो तुमने किया है उसका परिणाम निश्चित तुम्हें भोगना पड़ेगा। पहला अध्याय वातावरण का है, दूसरा अध्याय बोध का है, दूसरा अध्याय ज्ञान का है, दूसरा अध्याय समझ का है, दूसरा अध्याय विचार का है। दो बातों को विचार रखना कि संसार में हम सब छोड़ के जाने वाले हैं, एक पर ये भी ध्यान रखना कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें छोड़ेगा नहीं, वो कर्म हमको साथ ले जाना पड़ेगा। हम नहीं ले जाएंगे तो वो हमें ले जाएगा, सब चीज रह जाएंगी, पर कर्मानुभोगच्छति जीव एका, इस जीव को वो कर्म पकड़ लेता है। अच्छा करोगे तो अच्छा जाएगा, बुरा करोगे तो बुरा जाएगा, पाप करोगे तो पाप जाएगा, पुण्य करोगे तो पुण्य जाएगा, जो करोगे वो ही तुम्हारे साथ जाने वाला। जब जाने वाला है तो तीसरा अध्याय आता है। पहला अध्याय वातावरण हो गया, दूसरा अध्याय ज्ञान हो गया, तीसरा अध्याय कर्म। कर्म का मतलब आप करने में सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, आप बोलने में सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, आप सोचने में सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, आप कुछ भी सोच सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, आप जो चाहे सो बोल सकते हो, अच्छा भी बोल सकते हो, बुरा भी बोल सकते हो, खोटा भी बोल सकते हो, खरा भी बोल सकते हो, मान वाला भी बोल सकते हो, अपमान वाला भी बोल सकते हो, आज़ादी है, पूरी आज़ादी, और करने में भी स्वतंत्र, जो चाहे सो कर सकते हो, अच्छा भी कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो, पाप भी कर सकते हो, पढ़ने भी कुछ भी कर सकते हो,
पर आगे कहते हैं ये ध्यान रखना, करने के बाद फिर भोगने में स्वतंत्र नहीं। तुम्हारे हाथ में चना है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा सब है, जब तक नहीं डालते तुम्हारे हाथ में तब तक चेंज कर सकते, पर एक बार डाल दिया और वो गया, बोया चने और सोचो नहीं नहीं इसकी जगह तो चावल पैदा हो गया, तो क्या सोचने से चावल हो जाएगा? नहीं, तो करने में स्वतंत्र हो पर भोगने में बिल्कुल स्वतंत्र नहीं। फिर आप ऐसे फंस जाओगे, ऐसे बंध जाओगे कि आप बिलबिलाते रहोगे, छटपटाते रहोगे, पर आप उस कर्म से छूट नहीं सकते। क्यों नहीं छूट सकते? कि वो ऐसी रस्सी है जिससे अपने आप को आपने बांधा है। तो भगवान तीसरे अध्याय में क्या कहते हैं? सावधान, विवेकी बनना, विचारवान बनना, समझदार बनना और ज्ञान को पकड़ना। जो बोलो ज्ञान से बोलना। ज्ञान से बोलने का मतलब एक बार नहीं, हजार बार आपको सोचना है कि ये शब्द मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। ज्ञान क्या काम करता है? ज्ञान एक ऐसी अरणी है, एक ऐसी मथनी है, जैसे दूध में बिलोनी डालते हैं और दूध को हिलाते हैं ना, तो जब दूध हिलता है तो मक्खन ऊपर आता है। ऐसे ही ज्ञान एक ऐसी मथनी है जो हमारे दिमाग को, हमारे दिल को, हमारे कर्म को, हमारे विवेक को हिलाती है। वो हमको समझ देती है, सोच देती है, विचार देती है, ये करना कि नहीं करना। करने योग्य है तो करो, अगर करने योग्य नहीं है तो उसको बिल्कुल मत करो, क्योंकि यदि एक बार भी हो गया तो आप ऐसे फंस जाओगे, ऐसे बंध जाओगे, ऐसे घेराव में आ जाओगे, आप सिर्फ छटपटा सकते हो, आप कलप सकते हो, आप व्याकुल हो सकते हो, आपके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा बिना ज्ञान। इसलिए तीसरे अध्याय में कहते हैं, करने से पहले, बोलने से पहले, आचरण करने से पहले बहुत विचार, बहुत सोचो कि ये ठीक है कि गलत है, ये करने लायक है कि नहीं करने लायक है, तभी आगे बढ़ो। क्यों? कि ये एक ऐसा जाल है, एक बार जो इसमें फंसा वो फिर निकल नहीं सकता है, छूट नहीं सकता। इसलिए भगवान तीसरे में क्या कहते हैं? योगः कर्मसु कौशलम्। ध्यान रखो, योग किसको कहते हैं? कर्मों को, करने की कुशलता, कर्मों को करने की चतुरता, कर्मों को करने की एक तरह की कला, कि ऐसा कर्म करो कि आप सब तरह के कर्म कर जाओ पर कोई कर्म आपको बांध नहीं सके, कोई आपको फंसा नहीं सके, कोई आपको रोक नहीं सके, कोई आपको बांध नहीं सके, ऐसा। तो प्रश्न होता है, ऐसा कौन सा कर्म? वो तो अपने को पता ही नहीं है कि हम करें भी, मतलब खाएं भी और पेट भी नहीं भर, ऐसी बात हो गई। ऐसा कौन सा इसके अंदर चमत्कार है? कौन सा ऐसा वो योग है, वो कौन सी कुशलता है,
वो कौन सी चतुरता है कि हम सब कुछ कर जाएं और फिर भी निर्द्वंद हो जाए, फिर भी बंधे नहीं, फिर भी स्वतंत्र। तो चौथा अध्याय आता है। चौथे अध्याय में क्या कहते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं और किसी कर्म में इतनी ताकत नहीं कि बाधना तो दूर आपको छू भी जाए, आपको टच भी कर जाए, किसी कर्म में ताकत नहीं। वो कैसे? वो कहते हैं यज्ञ शिष्टा सिन्हा सन मुच्यन्ते सर्व किल विषय भंजते ते तघन पापा ये पचन्त्यात्मकार सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरो वाच प्रजा। कहते हैं जब ये सृष्टि पैदा हुई, जब ये संसार बना, जब ये ब्रह्मांड बना, तो ब्रह्मांड बनने से पहले, सबको बांधने से पहले, सबको मौत के चक्कर में डालने से पहले उस पितामह ने क्या काम किया? यज्ञ में यज्ञों के साथ पैदा किया। तुम यज्ञों के साथ करो तो बंधोगे नहीं। यज्ञ अपनी वैदिक परंपरा में, अपनी भारतीय परंपरा में, अपने जन्म से लेके यज्ञों का प्रादुर्भाव। कोई भी काम होगा बड़े से बड़ा, उसमें यज्ञ जरूर रहेगा। जैसे बच्चा पैदा होगा ऐसे ही अग्नि जलाएंगे और जात कर्म संस्कार करेंगे, पैदा वहां हुआ है और अग्नि जल के उसमें आहुति डालेंगे, घी डालेंगे, सामग्री डालेंगे। थोड़ा सा और बड़ा हो गया, चल भाई नामकरण कर, क्या नाम रखना है? नाम पीछे रखा जाएगा, अग्नि पहले जलेगी, फिर उसमें आहुति जाएंगे। और बड़ा हुआ, चल इसका मुंडन संस्कार कर, बाल उतरेंगे पर अग्नि इधर जलेगी, मुंडन संस्कार होगा। अग्नि का मतलब पहले आग जलाओ, फिर तिल, जौ, चावल, घी, सामग्री इकट्ठी करो। सामग्री कोई आराम से तो मिलती नहीं, 10 धक्के खाओ तो सामग्री लेके आओ, 10 धक्के खाओ तो लकड़ियाँ लेके आओ, माचिस लेके आओ, फिर पंडित लेके आओ, फिर वो मंत्र बोले, फिर अग्नि जले। जैसे जैसे अग्नि जली और आपने उस सामग्री को मंत्र के साथ स्वाहा, जैसा स्वाहा बोला, वो सामग्री की आहुति बनाई और अग्नि में डाली। इतनी मुश्किल से सामग्री, लकड़ी, गोबर के उपले, घी इकट्ठे किए, अग्नि में डालने के बाद क्या हुआ? स्वाहा खत्म, सब मिट्टी बन गई ना। मतलब आपने पूरा परिश्रम करके संग्रह किया, इकट्ठा किया और अग्नि में डालते ही छोड़ दिया ना, खत्म हो गया। जब वो आहुति अग्नि में जाते ही भस्म हो गई, तो कोई विचार करता है कि इतने तिल चले गए या इतनी लकड़ियां फूक गई या इतना घी खत्म हो गया? नहीं, अरे भाई हवन है, यज्ञ कर रहे हैं, कभी विचार नहीं। क्यों? आपने स्वेच्छा से, दिल से, भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से सारा इकट्ठा किया। किस लिए इकट्ठा किया? छोड़ने के लिए, मिट्टी बनाने के लिए, जलाने के लिए, भस्म करने के लिए।
ये सब इकट्ठा किस लिए किया गया? उसको नष्ट करने के लिए। ये यज्ञ है। इस यज्ञ का परिणाम देखो, राम का अवतार। उस अवतार का कारण क्या बना? दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो उसमें से खीर आई, निकल गई, प्रसाद आया ना, यज्ञ से आया। ऐसे ही जितने अवतार हुए हैं सब में यज्ञ कारण बना। हम जन्म से लेकर के जितने संस्कार करते हैं, पैदा हुए तो अग्नि, मुंडन हुआ तो अग्नि, बड़े हो गए अन्न प्राशन हुआ तो अग्नि, संस्कार में जब शादी होती है तो अग्नि जला के फेरे रहो उसके, और अखीर में मर गए तो भी अग्नि संस्कार, ये हो गया काम। जैसे सब कुछ एकत्रित किया जाता है भस्म बनाने के लिए, ऐसे ही भगवान क्या कहते हैं कि तुम अपना जीवन यज्ञमय बनाओ, कि तुम हवन कर रहे। ईश्वर ने जो चीज पैदा किया, जो चीज, वो सब यज्ञमय। देखो आकाश है, आकाश का अवकाश यज्ञ है, सब उसमें बैठे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, लेटे हैं, पानी भरा है, वृक्ष है, अन्न है, औषधियां। आकाश सारा जीवन देते ही चला जाता है, किसी से अपेक्षा रखता है। आकाश ने कभी ये इच्छा नहीं किया, कभी ये नहीं मांगा, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तुझे इतनी जगह दी, तू मेरे लिए क्या कर रहा बता, बोला कभी आकाश नहीं। वायु सारे युगों तक चलता रहता, सबको प्राण वायु देता है, जीवन देता है, किसी से आशा की इच्छा नहीं। अग्नि जलती रहती है, जलती रहती है, जलती रहती है, किसी से इच्छा नहीं रहती। पृथ्वी सबको अपने ऊपर लेती रहती है, वजन ढोती रहती है, अच्छा करो बुरा करो, किसी से आशा नहीं रहती। सूर्य निर्द्वंद प्रकाश देता रहता है, किसी से कुछ इच्छा नहीं रखता। चंद्रमा रोशनी देता रहता है, शीतलता देता रहता है, कभी बदले की इच्छा नहीं करता। दूर जाने दो, शरीर देखो, ये आंखें सारा जीवन देख देख करके, शरीर की रक्षा करके, कि इसको बचा इसको बचा, गड्ढा आ गया, गिरना नहीं, सीधे चलना, सीढ़ी है, नीचे है, ऊपर है, आखिर आंखें चुप हो जाती हैं, बंद हो जाती है, मंद हो जाती हैं, चश्मा चढ़ जाता है, पर आंखें कोई अपेक्षा नहीं करती। सारी इंद्रियां यज्ञमय है, सारा शरीर यज्ञमय है, सारे देवता यज्ञमय, सब कुछ, मतलब खाली दे रहे हैं, किसी से बदले की इच्छा नहीं रखते, किसी से कोई आकांक्षा नहीं रखते, किसी से प्रतिकार नहीं रखते। पर एक ये मनुष्य ऐसा है, काम पीछे करेगा, फायदा पहले सोचेगा, कुछ भी बोलो इसको, अच्छा ये मुझे करना है, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, मैं इसके लिए करूं तो मेरा क्या फायदा है, अरे मैं इसके लिए इतना टाइम दूं, पैसा दूं, ये खर्च करूं, परेशानी लूं, उसमें मुझे क्या मिलेगा, ये भाव किसका है? मनुष्य। भगवान कहते हैं ये जो दीमक है, ये जो बदले का भाव है, ये जो प्रतिकार बुद्धि है, मुझे मिले मुझे मिले, मुझे नहीं दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, मुझे मिलना चाहिए था, ये ही आपके दुख का कारण है।
यही आपके बंधन का कारण है, यही आपको जीवन में सुखी नहीं होने देता। यही एक ऐसी चीज है जिसने आपको बांध के रखा है। इसलिए आप अपने मतलब के, स्वार्थ के, प्रतिकार के जितने भी भाव हैं, जितनी भी स्वार्थ की वृत्तियां हैं, प्रयोजन की वृत्तियां हैं, उन सबको आप ज्ञान रूपी अग्नि में हवन कर दो, भस्म कर दो। वो जो भस्म बनेगी उसका इतना महत्व है। ये जो अग्नि की भस्म होती है, धुने की भस्म होती है, यज्ञ की भस्म होती है, इसका प्रभाव मालूम है? पुराणों में एक इसकी कथा है कि महर्षि दुर्वासा, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा, ये तीनों सगे भाई हैं, अत्रि और अनुसुईया, इन दोनों के ये तीन पुत्र पैदा हुए, दत्तात्रेय विष्णु के अंश से, चंद्रमा ब्रह्मा की ताकत से और दुर्वासा रुद्र से। इन्होंने घोर तपस्या किया, बड़ा तप करके जागृत हो गए और इन्होंने बड़े यज्ञ किए। यज्ञ करके इसका फल इसको दे दिया, इसका फल इसको दे दिया, इसका फल इसको दे दिया। खाली जब हवन हो जाता उसकी भस्म थोड़ी अपने पास रख लेते, थोड़ी मस्तक में लगा लेते। तप करते करते, यज्ञ करते करते इनके हृदय में ऐसा भाव आया कि अब मैं तीनों लोकों में जाके भ्रमण करूं। जब ये भ्रमण करने निकले तो बीच में नारद जी आ गए। नारद ने कहा, देखो दुर्वासा, आप तीनों लोकों के लिए जा रहे हैं, पर मेरा आपको सुझाव है कि आप ना नरक से शुरू करना, सीधे स्वर्ग नहीं पहुंच जाना। पहले जो कष्ट देखना है, जो कष्ट में है, उसको देखना भी तो एक तरह का कष्ट ही है। तो आप जाना ना, तो पहले नरक की तरफ से जाना, जहाँ पे सब जीव छटपटाते हैं, व्याकुल होते हैं, दुखी होते हैं, ऐसे से जाना, फिर उसके पास।